सिला टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम दिलचस्प दुनिया में। आज हम आपको ले आए हैं खुली फिज़ा में, जहाँ पर हम आपको दिखाएं कुछ दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस। आज का हमारा एपिसोड है वेडिंग स्पेशल, यानी शादी के ऊपर मखसूस तौर पर हमने कुछ जमा किए हैं ऐसे वीडियो जिसे देख कर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियोज़ की। नाजरीन, हमारे पहले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब शादी होती है किसी भी घर में तो किस तरह का माहौल होता है। पहले क्या होता है, लड़की रोते रोते घर से रुख्सत लेती है। नहीं नहीं नाजरीन, ये तो विदाई के वक्त होता है, जो कि सबसे आखिरी का हिस्सा है। सबसे पहले ये होता है कि दूल्हा दुल्हन के पास, यानी शादी खाने में या फिर वेडिंग हॉल में बारात लेकर आता है, और शादी की खुशी में इतना उतावला हो जाता है दूल्हा कि ये भूल जाता है कि घोड़ा कौन है और ऊँट कौन है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दूल्हा आता तो घोड़े के ऊपर से है, लेकिन शादी खाने के मतलब वेडिंग हॉल के पास आते आते दूल्हा नीचे और घोड़ा ऊपर हो जाता है। नाजरीन, ऐसा ही कुछ अजीब गरीब नज़ारा हमारे इस वीडियो में देखिए। Thank you.
साथ हैं हमारे शफी भाई, जो कि 5 साल पहले शादी कर चुके हैं। शफी भाई, आप जब शादी कर रहे थे तो आपने हार पहना था गले में? नहीं, मैंने तो हार नहीं पहना था। क्यों, पैसे नहीं थे? नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है, बात विवाह की है। जैसे इस्लाम के शरीयत के अंदर फूल पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं दिया है, इसलिए हम हार नहीं पहने। छोड़ो इस्लामिक बातों को, हम उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। हमारा शो है फनी शो, तो हम इंजॉय करेंगे। मगर जैसा कि आपने देखा होगा कि शादियों में हार पहनाना आम सी बात है। हाँ नाजरीन, हम जहाँ भी शादियों में आते हैं, दूल्हा दूल्हा कम और फूलों की दुकान ज़्यादा लगता है। हाँ बेशक, सही बात कही आपने। और कभी कभी ऐसा होता है कि हार पहनाने में इतने नखरे होते हैं, इतने नाटक होते हैं, कभी दूल्हा ऊपर, कभी दुल्हन ऊपर, कभी दूल्हा नीचे, कभी दूल्हा नीचे। तो ऐसा करते करते कभी क्या होता है कि जैसे मैंने शफी भाई को उठाया और शफी भाई कमर से झुक गए, नीचे गिर गए, सीधा हमारी भाभी के कदमों में, शादी से पहले भाभी के कदमों में। तो नाजरीन, ऐसे कोई अजीबोगरीब हारों के तमाशे देखिए इस हमारे अगले वीडियो में। नाजरीन, दूल्हा इंटर तो हो गया, हार भी पहना लिया,
अब आते हैं खाने की तरफ। शफी भाई, हाँ, खाने में क्या क्या है? खाने में आजकल जो हमारे कड़पा शहर के दावतों की हालत इतनी बुरी है, देखा जाता है निकाह हुआ भी नहीं रहता लेकिन दावतें पहले सफ में बैठ जाते। एक हैदराबाद की एक मस्त कहावत है, हैदराबाद के एक मस्त शायरी है, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता रे, पहले दस्तखान पे खाना नहीं खाए तो नहीं खाए जैसा रहता। ऐसे ही हमारे कड़पा शहर के जो दावतों की हालत है, निकाह शुरू भी नहीं होता, वो इसी तरह से दावत ही बढ़ जाते खाने में। भूख लगती है था, बस खाना खाना था। दो मिनट बात तो खत्म करने दो। और क्या हो गया है आज, समझो आज ही मैं दफर में दावत में गया, बैठा खाना खाने के लिए, सीधे तरीके से खाना भी नहीं हुआ, पीछे से दो लोग खड़ गए। अब ऐसा लगता है कि उनको देखूं या खाने को देखूं, पीछे से वो खाने को मेरी नज़र लगाता रहता और दिल में गालियां देता रहता, ये कितनी कमीना, कितनी देर खा रहा है, जल्दी उठ के जा। इसमें क्या होता बोले तो, कड़पा में जो शादियों में ये माहौल है बहुत बुरा है। पहले हमारे कड़पा के दावतियों को समझना चाहिए जो खाने वाले की फीलिंग को। सुहेल भाई, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? शफी भाई, मैं आपको कुछ मंजर दिखाता हूँ। नाजरीन, शफी भाई दोनों, हाँ, दावत में क्या होता है पता है? जब जब प्लेट आती ना तो प्लेट करे प्लेट रे 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 प्लेट रे प्लेट रे प्लेट ये आगे प्लेट, आप प्लेट मैन्युफैक्चरर अच्छे से बना के पैक करके भेजता है सील के साथ में, फिर भी हमारे इधर क्या होता है पता है? प्लेट को रखा, पानी लिया, जितनी अपने हाथ की मैल थी हमने तो खुद इसमें धो लिए, तो अब प्लेट क्या साफ हुई और गंदी हुई, बल्कि इससे अच्छा हाथ जाके वॉश बेसिन में धो लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले आती है पानी, ओके, पानी आ गया, खाना आ गया, अब कोई लेके आता है रोटी। अब एक सब दावतों में एक्चुअली एक एक रोटी का रिवाज है, तो कोई दो मांग लेता है तो दे भी देते हैं। उसके बाद में रोटी तो खा ली है, रोटी
बहुत ही नजाकत के साथ तरीकत के साथ खाते हैं। हाँ? उसके बाद में आता है खाना। खाने के ओफो कितने तरीके हैं पता है आपको। हम खाना खाते हैं इस तरह मिलाते हैं और खाते हैं, लेकिन आजकल खाने के इतने तरीके हैं, एक तरफ सांभर, एक तरफ चार, एक तरफ ढेंगी चटनी, बीच में खाना। अब मिलाने वाला किस तरह मिलाता है पता है, ऑल मिक्स। यहाँ से हाथ लेता है, ऐसा घुमाता है और फिर उसको ऐसा मिलाता है। नाजरीन ऐसा लगता है कि खाना कम और कहीं सीमेंट मिलाई जा रही है। उसके बाद में जो उठा के फिर यहाँ से लजीज तरीके से पूरा मजा आता है उसे। नाजरीन ये सब हरकतें देखने में बहुत ही अजीब लगती है, तो सोचिए करने वाले को कैसा लगता होगा। इससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारा ना ही कोई सलीका है और ना ही हमें इसकी आदत होनी चाहिए, मतलब हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि हम पहली बात तो हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में हमें जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है वह है तरीका, किसी भी चीज़ को करने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका। तो हम जब अकेले में इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो जब इतने बड़े माहौल में जाते हैं शादी वगैरह में तो कितना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वहाँ भी आज के मुसलमान बदनाम हुए हैं तो सिर्फ दो जगह पे, एक शादियों में जहाँ पर खाने के टाइम पर हाई मारी और जितना भी हैवानियत दिखाते हैं, और दूसरी जगह गलत बात है। सही बात कही सुहेल भाई आपने। इस बात से मेरे को एक छोटी बात याद रही, एक मेरा दोस्त नाम शौकत, वो शख्स ऐसा शौकत भाई वो शख्स वाहिद एक ऐसा शख्स है, अगर शादियों में जाते इस दौरान में क्या हुआ, शादियों के अंदर शादी वाले सप्लाई नहीं करते, बाहर से हायर करते हैं सप्लायर्स को। तो ये मेरे दोस्त का एक नया ईजाद तरीका है, क्या करता मालूम, सप्लायर के पास पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता। वो सप्लायर समझता है कि शायद इसके घर में शादी होगी, हम ना को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नाइस आइडिया शौकत भाई। इसको नहीं पता सप्लायर को ये फेक कर रहा है, इसके जरिए से इसका फायदा उठाता मेरा दोस्त शौकत। किस चीज़ का फायदा, जब इसका नंबर लेगा तो इसको फायदा होगा, तो ये सप्लायर लाके इसको गोश्त, मीठा, कूल ड्रिंक वगैरह वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा इसको डाल के जाता स्पेशली। ये मेरे दोस्त ने नया ईजाद किया है, प्लीज आप कौन भी इसको कॉपी मत कीजिए। अरे गुड शौकत भाई। इसी तरीके जिस तरीके से हमारे सुहेल भाई ने कहा, शादियों के अंदर जिस तरीके से बेहरमती या मजाक किया जाता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे वसीला टीवी के व्यूवर्स से, शादी यानि इस्लामिक तरीके के अंदर रिवाज निकाह वलीमा, जब निकाह हम सुन्नत तरीके से करते हैं तो वलीमा भी सुन्नत तरीके से करना चाहिए, ना ही कि शैतानी तरीके पर जाकर दूसरों को देखकर इस तरीके का हंगामा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम देखते आए हैं कई सालों से, पहले बैंड बाजे पटाखों का रिवाज चलता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से बंद हो गया है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा चल रहा है। इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है आगे भी ऐसा बंद होगा। और एक ख़ास बात यह है कि जो शादियों के अंदर जिसके पास पैसा है वो पब्लिक को इतना दिखाता, खाने में रोटी, चिकन और पान, कोल्ड ड्रिंक, मीठा और साथ में तीतर, बटर, मच्छी, दुनिया की हर चीज़ रखता है,
लेकिन इससे क्या होगा, आपके पास पैसा है आप कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको देखने के बाद कोई और, यानी आप तो है मालदार, कोई मिडिल क्लास फैमिली का रहता, उसके पास ताकत नहीं रहती, लेकिन वो प्रेशर किस पर जाता है, जो लड़की से वो शादी करता उसके माँ बाप के ऊपर जाता है, वो जिद करता है कि हमारी शादी भी इसी तरीके से रहनी चाहिए, इसी पैमाने में करनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपके पास पैसा है तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, रखिए, लेकिन इस तरीके से फजूल ना कीजिए। शायद आपको बात बुरी लगी होगी, लेकिन हकीकत तो यही है। शफी भाई जी, दावत में कितना भी रखो, कितना भी रखो, ये कड़पे में क्या होता है मालूम, दावत हो गई, अब दावत खाने के बाद जब नीचे आके बैठते सुकून से, तो दूल्हा दुल्हन के पड़ोसी रिश्तेदार पूछते किसी से, क्या जी अच्छा है सब भी, खाई खाना, तो वाह सब भी अच्छा था, कि अम्मा वो मिठे में जरा शक्कर कम था, वाह चिकन हो बाबा जरा चिकन अच्छा था, जरा गला नहीं जरा, फिर क्या तो सब भी अच्छा था। अरे जब अच्छा था तो इतने सारे नुस्ख क्यों निकाल रहे? देखिए सुहेल भाई, शादी कितनी भी लाखों रुपए खर्चा करो, सब चीज़ अच्छी बनाओ, लेकिन कमी तो कंपल्सरी हमारे कड़पे वाले निकालते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बात बोलते, खाने में कम डाल रहे नमक, एक बात भाई। हम कोई रेस्टोरेंट में तो आए नहीं है कि जो हम ऑर्डर करें वो हमको मिलेगा, कुछ इतने बड़े माहौल पर जब कुछ पकाया जा रहा है या कुछ बनाया जा रहा है तो उसमें कुछ नीच हो जाती है, तो इंसानियत के नाते उसे समझ लेना बेहतर है, ना कि उसकी नुस्ख निकाल के सामने वालों को शर्मिंदा करना। वो लाखों रुपए खर्चा कर रहा है ताकि आपको खुशी खुशी खिला पिला कर भेजा, आप नुस्ख निकाल के उसका दिल दुखाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। नाजरीन, शादियों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डांस। नाजरीन, शफी भाई, डांसर्स कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं कि उनके सामने कोई भी प्रोफेशनल डांसर अपना डांस भूल जाएगा। बेशक, जैसे कि कोई था नागिन डांस, ये तो फेमस डांस है हमारे कड़पे का। और हर एक शादी में आपको कोई एक ऐसा रिश्तेदार दूल्हे का या दुल्हन का मिल जाएगा जो कि पी के आएगा, बजा या बजा या बजा, बल्कि उसको डांस करना तो नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करता रहता है, और नशे की हालत में इतना खो जाता है कि वो सीधा खड़ा भी हो गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है। कुछ इसी तरह के अजीबोगरीब डांस आप देखिए हमारे इस अगले वीडियो में। Thank you.
शबीदा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चले गई। मेरी गर्लफ्रेंड चले गए तो तुम्हें रो रहे हैं। दा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी गर्लफ्रेंड नहीं 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 हमारी भाभी दा चले गई दा चले गई। दिल कमजोर मत करो मेरे दोस्त, अल्लाह बहुत बड़ा है, दिल कमजोर मत करो। नाजरीन शादी में सबसे आखिर में जो होती है वो होती है विदाई। नाजरीन नाजरीन विदाई में लड़कियां ऐसा रोती है जैसे जन्मों तक नहीं आने वाली है, लेकिन दूसरे ही दिन अपने घर पे वापिस जा चुकी होती है शबीदा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये क्या है नाजरीन, जब दूसरे दिन वापिस ही आना है वापिस घर पे तो इतना रोने की, इतना ओवर एक्शन करने की जरूरत क्या है। और एक बात शबीदा, वलीमा मंगनी करने के बाद कम से कम 4-5 महीने एक साल का गैप लेते हैं शादी करने के लिए, तब तक तो फुल रातों में दिन में चैटिंग चलते रहती है, कॉलिंग चलते रहती है, तो भीड़ का एक गम है जाने का। नहीं नहीं मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, आगे आप देख लीजिए खुद ब खुद। पानी
से पाया सजन घर ले चली। शफी भाई कैसी लगी आपको ये दावत? आपकी दावत वाकई में आखिरी दावत ही थी। अच्छा, इतनी प्यारी दावत मैं अब तक नहीं देखा। नाजरीन, शफी भाई को तो हमारी दावत बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो शफी भाई अब वक्त है रुखसत का, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा अगर ऐसी दावत रही तो आपको ज़रूर बुलाऊंगा। सुहेल भाई, आपकी तो शादी नहीं हुई, तो आप कब करने वाले हैं आपकी शादी? जब कड़पा में ऐसी सब चीज़ें बंद हो जाएगी तब मैं कर लूँगा शादी। ऐसी शादियाँ सब बंद होने के लिए काफ़ी साल लग सकते हैं। बुढ़ापे में कर लेंगे, हमको कौन सा ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, हमारे वसीला के नाज़रीन, जब तक ऐसे दावतें बंद नहीं होते तब तक हमारे सुहेल भाई शादी नहीं करेंगे। जिस दिन ये दावतें बंद होंगे तो ज़रूर ये शादी करेंगे। इंशाल्लाह हम फिर इनकी शादी में ऐसा ही वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। अच्छी बात, चलो शुक्रिया। वसीला के नाज़रीन, आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की दावत में बहुत मज़ा आया होगा, जैसा कि हमारे शफी भाई को भी आया था। नाज़रीन, अच्छा तो नहीं लगता ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, मगर क्या करें, ये सब चीज़ें आजकल हो रही है हमारे माशरे में, हमारे समाज में। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड वेडिंग स्पेशल यहीं ख़त्म होता है। हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प मौजू के साथ में, और दिखाएंगे कुछ मज़ेदार वीडियोस। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कोई रिक्वेस्ट भेजना या हमारे शो के बारे में कुछ हमें बताना, तो नीचे दिए गए नंबरात पर हमें अपना जो भी मशवरा या राय देना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए मैं सहेश्वर आपसे रुख्सत लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।